ये इसलिए रोक रखा है, इन गाड़ियों की वजह से रोक रखा है, दो गाड़ियों की वजह से, दो नहीं तीन आ गई एक इधर। हाँ वो हालचाल, वो हालचाल पूछ रहा, ये ले भैया गाड़ी गाड़ी। योगी जी भी दिखाई दिए, मैं बहुत बड़ी टीम चल रही, ये ले भाई गाड़ी 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 गाड़ी। ले भैया इंटरव्यू देने जाना हमें तो ड्यूटी के लाग। सो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके लाइक करके जस्ट शेयर करके बता देना जरूर जरूर कैसे हो। और गाइस मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल पापा के पास में भाभी को लेके, भाभी और मैं जा रहे हैं, एक तो परमिशन देकर आनी और दूसरा पापा के ऑफिस में एप्लीकेशन भी लगा कर आनी है। तो चलते हैं जल्दी से और आज आके गाड़ी भी धोनी है, आज गंदी हो रही है बहुत ज़्यादा, देख लो कैसी हालत हो रही है इसकी, इसे भी साफ कर देंगे आज, बिल्कुल गंदी हो रही है। सो गाइस चलते हैं पापा के पास, इंजॉय करो आप रास्ते का व्यू। क्या हुआ पप्पी लहरी, क्या बोला तूने? सो गाइस चलते हैं, आ जाओ भाभी, होगी स्टार्ट। सो गाइस घर से निकल चुके हैं स्कूटी में अपनी, भाभी को साथ ले जा रहा हूँ आज और चलते हैं अब आगे, तुम रास्ते का व्यू के मजे लो और हम पुलिस वालों के मजे लेंगे आज। क्या गुंडा बनेगा रे तू, हवा एकदम बेहतरीन है, सूरज एकदम कैड़ा हो रहा है ना, अरे अटपटी सी दाढ़ी हो रही, चटकवानी पड़ेगी है। सो गाइस ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है और गाड़ी मेरी ये जा रही है, आप देख सकते हो जिस प्रकार से, ये मेरी गाड़ी, बुकिंग के लिए नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बुक कर सकते हो गाड़ी को, शादी ब्याह में ले जानी हो, भंडारों में ले जानी हो, दाल चावल खाने जानी हो, बिरयानी लेने जानी हो, कुछ भी एक्सेट्रा, तो गाड़ी का नंबर देख लेना और क्या नाम है बुकिंग नंबर में दे दूंगा। दो बंदों के लिए 2000 रुपये पर घंटा है, आप ले जा सकते हो, दिखाता हूँ मैं आपको अभी झलक, एक झलक प्यारी सी। ये है वो झलक प्यारी सी, देख लो आप लोग, काले रैप टैम बहरा कर रहा वो, हाँ हेलो कर रहा उससे। तो भाई अभी जैगवार वाला यार ना देख लो, उन्होंने हेलो कर रहा गया साइकिल पे, मैं कह रहा साले रैप टैम बहरा कर देगा वो, सब चल रहे हैं आगे को, मजा ऐसी आता रहेगा, तुम लोग बने रहो, इसकी मत करना बस। सो गाइस जाम लग चुका है चेक आउट, इतना लंबा जाम लग गया, ये भी हम ही देख रहे हैं, पीछे भी बहुत लंबा जाम लग गया। भाभी सिर पे ठाके ले लो स्कूटी, तो भाई खुल गया जाम, खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया, फेरे टक गए फेरे टक गए, तो भाई फेरे टक गए यार, हमें एंडेवर वाला साइड वाले बगल में शीशे में से मुझे लगा रहा। चलते हैं पी पी पी। सो गाइस आ चुके हैं आगे, हम फिर लग गए जाम, फिर खड़े हो गए वैसे के वैसे ही। सो गाइस सबर संतोष खत्म होते हुए हम आ चुके हॉस्पिटल के बाहर और स्कूटी धीमी धीमी चलाने का ये है हमारा रूल, रोड पे हैं गड्ढे 1000, तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के पास ही खड़े हैं और जा रहे हैं, भाभी बहुत मुस्कुरा रही है, इनके दांत गिरने वाले हैं। मारने के 10 रुपए हैं, एक मारा 20 रुपए हो गए, तो अब जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं भाई ऊपर नहीं आ रहे, अभी से नीचे ही जा रहे हैं, हॉस्पिटल आने वाला, बगल में खड़ी करके स्कूटी मेरे जाएंगे। ठीक है गाइस मिलते हैं आपको अब पापा के रूम में, झट पटापट पट। तो गाइस हॉस्पिटल में आ चुके हैं, लिफ्ट में है, इस टाइम पहली बार लिफ्ट में बैठा हूँ अपनी जिंदगी में, बैठा नहीं खड़ा हूँ भाई, पहली बार लिफ्ट में खड़ा हूँ, कोई नहीं खड़े हैं तो खड़े हैं, पड़े हैं तो पड़े हैं। तो गाइस थर्ड फ्लोर आने वाली, थर्ड फ्लोर पे जाना, पापा के रूम में पहुंचते हैं फटाफट, एकदम झटापट, समझ रहे हो ना, झटापट तो फटाफट। चलो पहुंच चुके हैं पापा के पास, चल चाल है जी आरडीएक्स,
अंडरवर्ल्ड डॉन क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। प्रोग्रेस अच्छी है? रिटायरमेंट आ रहा 31 दिसंबर 2022 रिटायरमेंट पे। तो क्या करना रिटायरमेंट पे? पार्टी करेंगे, डांस करोगे? चलो जी, यो भी सही है। ठीक है पापा, क्या हाल चाल है और बताओ? हम तो बुलेट ले सके। बुलेट? ट्रैक्टर ना ले ले, फिर खेत भी जोत दे करूँगा। अच्छा, हमको सिखा दिया है। नहीं लेनी पापा। सो गाइस, बुआ ने कह रही तो मैं पापा बुआ से बात करे, तो मैं बुआ से एक चीज कहना। बुआ, 5 किलो अनार, 2 किलो सेब, 3-4 दर्जन केले अड़ंगा ले गई है मेरे लिए, पापा के लिए नहीं। सही नहीं कह रहा भाभी? मैं अनार जरूर ले गई है 5 किलो। इसका फोटो ले लूंगा। सो भाई, जिसे देखते हैं, चल रहे हैं वही ऑफिस पे। भाई लिफ्ट का कर रहे वेट, और ये जो लेकर आए थे परमिशन बनवा के, ये देखानी है, तो चलते हैं नीचे। 2 पर आ गई है और आने वाली है, इसकी वेट है। ये मोहर लगवाई थी, लिफ्ट आते ही नीचे चलते हैं, करवाते हैं इसका इलाज और पापा की छुट्टी कराते हैं फिर। आ जा, 2 पर टकरी। सो गाइस, लिफ्ट आ गई, हम इसमें अंदर हैं, डोर हो गया बंद। तो भाई चल रहे हैं नीचे देने और फिर चलते हैं घर। पापा एकदम खुश हो गए, मैंने कहा पापा तुम्हारे बिना मन सहन लग रहा बिल्कुल भी, क्योंकि जब मैं केले लगाए भैंसों को दूध निकल लूँ ना यार, पापा वहाँ पर हैं तो अच्छा सा लगे, क्योंकि पापा धमका में भी हैं, 2 बात भी हैं, तो मुझे मजा सा आ। तो पापा से कह दी मैंने, पापा शाम को छुट्टी करवा के तुम्हें लेके चल रहा मैं। पापा कह रहे ठीक है, छुट्टी करवा ले, क्योंकि पापा का मन नहीं लग रहा यार, हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, पापा वहाँ पर बातचीत हो गए ना, बहुत मजा आ गया। चलते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचने वाली पहुँच गई। सो मिलते हैं आपको पापा के पास में अभी। शर्मा जी कहाँ घूम रहे हो? शर्मा जी तुम एडमिट हो यहाँ पे बोन रोक पाए? घूम रहे पापा, मजे ले रहे हैं। पापा ठीक है, आओ लेके चलो घर, चले छोटू घर। नीचे जा रहे। सो भाई लिफ्ट में बैठ गए, कई साल बाद आज तू बेटे घूम रहा इसमें है, दिखाइए तू घूम नहीं रहा इसमें, पहले भी दार रखा, दूसरा भी है, घूम रहा बहुत देर से। नहीं तो मैं तो अभी ग्राउंड पे जाऊंगा। ग्राउंड में आ रहा, पहला दूसरा किन्ने दबाया फिर? नहीं झूठ नहीं, मैंने दबाया नहीं। तो वीडियो में आ गया। तो गाइस, पापा के पास से आ चुके हैं हम, और अब जा रहे हैं पापा के ऑफिस में, क्योंकि पापा की एप्लीकेशन भी देनी है। पापा फर्स्ट एकदम बेहतरीन होंगे, स्वस्थ से होंगे एकदम, हमारी गैल गैल नीचे भी आए, और अब जा रहे हैं पापा के ऑफिस में। वीडियो में बने रहो, इतना ही कह सकते हैं। और भाभी को पहली बार लिफ्ट में आज बैठा ही दिया मैंने, पहली बार लिफ्ट की सैर करा दी। भाभी को जो है लिफ्ट में पहली बार बैठा ही दिया। तो भाई जब चलने हैं पापा के ऑफिस की साइड, पुलिस वालों से लेते हैं चुस्की और खुशकी, पुलिस वालों से भी मिलेंगे आज, बातचीत करनी है, कुछ पुरानी दुश्मनी है थोड़ी सी। पापा बदमाश था, आ जाओ कहीं आ जाओ। सो गाइस, पापा के ऑफिस में दे चुके हैं हम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन दे दी, अब जा रहे हैं अन्नू भाभी के घर पे। पीछे आ रहा आर्मी वाले भैया का ट्रक, अब जा रहे हैं अन्नू भाभी के घर पे। गाइस आगे भाभी गए हैं हम, ये नींद ही मारे भैया, और क्या गए हैं ये रे, मोटे पतले दोनों ही हैं, और हम भी यही हैं, आ चुके हम यहाँ पे। क्या है खाने में नु बताओ? बस ये भाई, अपने अपन को तो मिल गया खाने का डंगा सा, मैं तो तोड़ दूंगा 8-9 रोटी ले लिया, बाहर को चले। सो आज खाना वाना खा ले, ये बात कर लेंगे अपनी, मिल लें आपको घर पहुंच के, क्योंकि ड्यूटी है ना, इंटरव्यू देना है मुझे। तो गाइस पुच्छू भी आ चुके हैं स्कूल से, बोल पुच्छू आ गए स्कूल से, भाभी लेन गई। थाली को पापा ने मना कर दी थी। चल चल बेटा,
भाई तू तो सुंदर सा लग रहा है भाई। बुच्चे भाई तू तो सुंदर सा लग रहा भाई, है भाई सुंदर सा लग रहा तू तो, यहाँ यहाँ तो आ सुन तो, एक प्यार तो कर दे मेरे, ये काट रही थी प्यार करनी थी। चले घर पे, चले घर पे, चल मैं तो ऐसी काट लूं। चलो भाभी मैगी बनवाई थी और खाना भी खा लिया, सब चीज लटका दी, चले बिट्टे घर को, तू भी चलेगी, तू सुन जाइए तू। सो भाई सब चल रहे हैं ऐसे घर पे, और मुझे जाना है इंटरव्यू देने एक जगह, इंटरव्यू के लिए जाके तैयार भी होना मुझे। भाई चल लिया अभी यहाँ से, खा पी लिया, चलो भाई चलो। पूछे कोई नहीं, पूछे सुन, ए लुच्चे तुझे शाम को ले जाऊंगा, फूल लगा रखे इन्होंने तो भाई। सो भाई चल लिया हम यहाँ से घर को, चलो मिलते हैं अब घर पहुँच के, क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए भी जाना, अभी तैयार होना। चलो भाभी, तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, बनवा लिया था मैंने रिज्यूम अपना और जा रहा हूँ मैं, देख लीजिए ये अपना ड्रेस अब, और मम्मी देख रही हैं और युग्गू सो रहा। सो गाइस मैं चलता हूँ जल्दी से, अच्छा मिलते हैं बाद में होटल में, ठीक है मम्मी बाय बाय बाय। सो गाइस प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, पूरा देखो रोड जाम कर रखा है, पुलिस वाले भैया खड़े, देख सकते हो तुम बढ़िया तरीके से एकदम, उधर की रोड भी जाम कर दी, यहाँ पे खड़े पूरी रोड जाम कर दी, आगे भी रोक रखे पुलिस वाले भैया खड़े। हमें क्या, हमें तो चलना है ड्यूटी, चलते हैं हम तो अपना ड्यूटी, इंटरव्यू देगा ना भाई, देखो पूरी रोड जाम कर रखी है, पूरी रोड जाम, क्लियरेंस करवा दी बिल्कुल, रोड की लोगों को हटा रखा, हम चल रहे ड्यूटी, हम मिलते हैं भाई होटल में भाई। तो गाइस हर जगह पे जाम लगा रखा, सारे में रोक रखा, सबको रोक रखा, देखो वन साइड चला रखी है, वन साइड जाम कर रखी है, आर्मी वाले भी खड़े हैं, सब खड़े हैं, देखो कितना लंबा जाम लगा है, सब लोगों को रोक रखा है, शायद कोई या तो मुख्यमंत्री योगी जी आ रहे हैं या मोदी जी आ रहे हैं, कोई ना कोई तो आ रहा है, तभी इतना रोक रखा, वरना कभी मेरठ में इतना जाम नहीं लगा आज से पहले। अब इस वाली साइड में भी रोक रखा होगा सबको, अभी दिखाते हैं आपको, साइड जैम कर रखी है, रोक रखा सबको, यहाँ पे भी जाम लगा रखा, यहाँ पे भी खड़े हैं सब लोग, फोरन की आवाज तो आ रही है, सायरन जो भी आ रहा है उसके लिए रोक रखा है सरदार जी, हमारे सरदार जी सब खड़े हैं ऐसे ही, इधर भी पीछे तक का जाम लग रहा है, बस के पीछे आगे उधर वाली साइड भी रोक रखी है, जो आ रहा है इधर से आ रहा है, पता नहीं कौन है, इस वजह से रोक रखा है ये, इसलिए रोक रखा है इन गाड़ियों की वजह से रोक रखा है, दो गाड़ियों की वजह से, दो नहीं तीन आ गई एक गुजारा। हाँ वो हाल चाल पूछ रहा, ये ले भैया गाड़ी, योगी जी भी दिखाई दिए, मैं बहुत बड़ी टीम चल रही, ये ले भाई गाड़ी। भैया इंटरव्यू देने जाना हमें तो, ड्यूटी की लाग, हमें इंटरव्यू देना, वाह भेज दो, मैं भैया निकल लिए, चलो जी चलो 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 चलो, तो भाई मुझे तो इंटरव्यू देने जाना, मैं पुलिस वाले भैया से कह रहे हैं इंटरव्यू देने जाना मुझे, इधर भी जाम लग रहा, अब खुल के जाम धूल मट्टी उड़ रही बहुत ज्यादा, निकल गई हाथ दे रहा पुलिस वाला, मैंने कहा निकल गई, तो भाई चल लिया अब है ना। तो भाई जिस काम के लिए आए थे इंटरव्यू हो चुका है, और कल बुलाया है 2 बजे के पास में रिज्यूम के साथ में, पहले रिज्यूम दे गया था, और होटल दिखाता हूँ आपको होटल कैसा है,
होटल है ये आउटर लिमिट। वासु की छुट्टी होने वाली है, वासु लंच पे जाएगा ना घर पे, वासु का वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वासु आता है फिर चलते हैं हम घर की तरफ, तो मिलते हैं वासु, आ जाने दो, एंजॉय मारते हुए जाएंगे घर पे साथ में। सो गाइस बैक टू द होम, और गाइस आज मोदी जी आए थे मेरठ में, और मेरठ में से मोदी जी निकले गए भाई, एक नंबर रश कर रखा था, एक नंबर जलवा भाई, मोदी जी का जलवा है। और गाइस आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, इस व्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ एंड, मिलते हैं आपको कल को एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें एकदम। सो गाइस मिलते हैं।